शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 15 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में टेस्ट दिया है और वो मैथमेटिक्स टेस्ट टोटल 25 मार्क्स का था, तो उसमें से ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। पहले स्टूडेंट का मार्क्स है 19, दूसरे का 25, फिर 23, 29, फिर 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ऐसे 15 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है इस डेटा का। फिर बताना है आर दे सेम। क्या सेम मतलब? मीन्स पूछ रहा है कि ये मोड और मीडियन जब आप इसका आंसर निकाल लोगे तो फिर आपको देखना है कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये आपको बताना है लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा है। जब ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके लिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम आंसर देंगे। तो चलिए सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ये डिसऑर्डर तरीके से लिखी है, मींस कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखी नहीं है। सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी वैल्यू 5 है यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू। 5 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर सिर्फ 9 है, तो 9 यहाँ पे इससे बड़ा। फिर उसके बाद 9 के बाद 10 दिखा, 9 हो गया, इस पर टिक कर लीजिए। जो जो वैल्यू होती जाए उस पर टिक लगाते चलिए, जिससे कि आपको पता रहे कि ये वैल्यू आप ले चुके हो। फिर उसके बाद 10 है और 10 बस एक ही बार है, 10 भी हो गया, टिक कर दीजिए। 10 के बाद फिर क्या है यहाँ पे? 10 के बाद 12 दिख रहा है, 12 लिख दीजिए, 12 को टिक कर दीजिए। देन उसके बाद 12 के बाद यहाँ पे आ रहा है, ये है 16 और यहाँ पे है 15, तो सबसे पहले 15 आएगा, 15 को टिक। देन उसके बाद 16 को टिक। देन उसके बाद 19 लिखेंगे, 19 को टिक। देन आ गया 20। 20 कितने टाइम्स आया है? 20 एक वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, 20 आया है। इसको सबको टिक कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स 20 यहां लिखेंगे, 20, 20, 20, 4 टाइम्स 20। देन उसके बाद 23 यहां पे आया है ओनली 1 टाइम्स, तो लिखेंगे 23। देन उसके बाद 24 1 टाइम आया है ओनली, तो 1 टाइम लिखेंगे 24। देन उसके बाद 25 1 टाइम एंड 2 टाइम, लिख दीजिए 2 टाइम्स 25। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट भी कर लीजिए कि क्या 15 ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लिख ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, यहां पे भी 15 ऑब्जर्वेशन थी और यहां पे भी 15 है। अब चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में यहां क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। यहां पे होता है सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स एंड देन यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर इसी को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, तो मैं दोनों लिख देती हूं। अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब इसको टेबल के फॉर्म में इसे बना लेना है। सबसे पहला मार्क यहां पे लिखेंगे ये 5 मार्क्स। कितनी बार आया है? इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, देखिए सिर्फ 1 टाइम्स 5 है, टैली मार्क बना दीजिए 1। 9 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो टैली मार्क 1। 10 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो 1। 12 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो 1। 15 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स, 1 लाइन। देन 16 कितने टाइम्स आया है? 16, 1 टाइम्स, ओके, टैली मार्क 1। देन 19
19 कितनी टाइम्स आया है? सिर्फ वन टाइम्स, तो यहाँ पे वन। 24 टाइम्स आया है तो यहाँ लिखिए 20 कितने टाइम्स? फोर टाइम्स। यहाँ पे फोर लाइन, टैली मार्क आप लोग बनाना जानते हो, यहाँ फोर लाइन हो जाएगा। देन 23 सिर्फ वन टाइम्स आया है तो यहाँ पे वन। 24 भी सिर्फ वन टाइम्स आया है, यहाँ पे वन लिखिए और यहाँ पे जो है टैली मार्क वन बनाइए। फिर 25 टू टाइम्स, यहाँ लिखे टू टाइम्स और यहाँ पे टू लाइन, सारा हो गया ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 15 थे, ये भी 15 होना चाहिए, चेक कर लीजिए। 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका मतलब सब करेक्ट है। अब आपको निकालना है मोड, चलिए मोड निकालते हैं। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा हो, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया हो वही मोड होगा ठीक है। मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है, ये फोर टाइम्स आया है। क्या फोर टाइम्स आया है? देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी फोर है, मीन्स ये जो फोर के सामने वाला नंबर है दैट इज 20 यहाँ पे फोर टाइम्स आया है, तो मोड क्या हो जाएगा? मोड इसका हो जाएगा 20 इज योर आंसर। अब आपको क्या बताना है सेकंड? मीडियन, चलिए मीडियन बताते हैं। अब मीडियन किसके लिए बताना है? इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन बताना है, और ये ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है? तो यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन थी, 15 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 15 दैट इज ऑड। ऑड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मीडियन का, क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू होता है n प्लस वन अपॉन टू अर्थ टर्म, n प्लस वन अपॉन टू अर्थ टर्म। चलिए मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम m लिखेंगे ठीक है। अब n कितना है? n यहाँ पे है 15, तो 15 प्लस वन डिवाइड बाय टू अर्थ टर्म इज इक्वल टू 15 वन 16, 16 बाय टू, 16 बाय टू कितना आता है? 2, 8 जा 16, तो 8 आएगा, 8th टर्म, 8th टर्म। अब यहाँ पे ये जो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हो, यहाँ पे आप देखिए 8th टर्म कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीडियन निकालते समय सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहां से हम काउंट करेंगे कि 8th टर्म कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या आ जाएगा? 20 इज द आंसर। अब आपको ये भी बताना है कि आर दे सेम, क्या ये जो मोड और मीडियन आए हैं क्या इसका आंसर सेम है? तो आप क्या लिखेंगे? यस दे आर सेम, या फिर आप सीधे लिखिए मोड एंड मीडियन आर सेम, मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम। यहां पे जो हमने मोड की वैल्यू फाइंड आउट की और जो मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट की वो दोनों सेम आ रही है, दैट इज 20, मोड भी 20 मीडियन भी 20 ओके। अब ये देखो मीडियन, मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल ली। अगर आपको बिना फॉर्मूले के निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो, कैसे? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थी तो 15 था, इसका मतलब 7 इस साइड से निकाल दीजिए, 7 इस साइड से निकाल दीजिए, जो बीच की वैल्यू है वही आपका मीडियन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इधर से छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर से छोड़ दीजिए, बीच की वैल्यू क्या आई? 20, तो 20 ही आपका मीडियन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर टू? द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। यहाँ पे एक क्रिकेट मैच हुआ है, क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने जो रन्स स्कोर्ड किए उसका डेटा आपको गिवन है। एक ने 6 रन स्कोर किया, सेकंड ने 15 रन, थर्ड ने 120 रन स्कोर किया, फोर्थ ने 50, फिफ्थ ने 100 रन स्कोर किया, सिक्स प्लेयर ने 80 रन स्कोर किया, सेवेंथ प्लेयर ने 10 रन स्कोर किया, एट्थ प्लेयर ने 15 रन, नाइन्थ प्लेयर ने 8 रन, टेंथ प्लेयर ने 10 रन एंड जो 11th प्लेयर था उसने 15 रन स्कोर किए हैं। फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें निकालनी है इस डेटा की।
आर द थ्री सेम। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये तीनों सेम है, कौन तीनों, ये मीन, मोड और मीडियन। आपको लास्ट में बताना है क्या इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो उससे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, मीन की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेटा दिया है ये डिसऑर्डर तरीके से दिया है। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहां पे लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा इसमें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आई थिंक 6। इसको टिक कर दीजिए कि ये वाला आपने ले लिया। देन उसके बाद 8 टिक कर दीजिए। देन उसके बाद 10 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो यहां लिखिए 10, 10 को टिक कर दीजिए, 10 और 10 हो चुका। देन उसके बाद 15 3 टाइम्स आया है, तो 15 1, 2 and 3 टाइम्स। देन उसके बाद आया है 50 है, उसके बाद 50 हो गया, 50 के बाद 80 हो गया, देन 100 and 120 ये हो गया, ये भी हो गया। काउंट करिए क्या 11 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 डेटा आप लोगों ने यहां भी लिख लिया। अब चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लिखिए सम ऑफ All observations upon number of observations। चलिए सबको ऐड करते हैं, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 डिवाइड बाय कितना डेटा, 11 डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डेटा है, तो डिवाइड बाय 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं, 10, 10, 20 ये हो गया 20, और उसके बाद 8, 6, 14 ये 14 हो गया, फिर 15, 15, 15, 15, 3 = 45 हो गया, ये यहां तक का डेटा लिख लिया। फिर 50 है, ये 130 बन जाएगा, 130, और फिर 230 ये बन गया, 230 ये 8, 5, 13, 130 हो गया, 230 and 120 इसको अलग ऐड कर लेते हैं, इसको पहले इधर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 549 and 415 527 यहां से यहां तक को जब ऐड किया तो ये आया है 79। देन प्लस अब यहां से ये 50 को नहीं ऐड किया अभी, 50 हाँ ऐड किया है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 325 and 213 350 / 11 चलिए ऐड करते हैं इन दोनों को। यहाँ पे 9 इसमें ऐड होगा, 9 आएगा, देन 7, 5, 12 कैरी आया 1, ये बन जाएगा 4, 429 upon 11 429 को 11 से डिवाइड करिए, 11, 3 = 33 कितना आया, 33 के बाद 42, तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 9 आया, तो इसमें यहां लिखिए 9, देन ये 9 आ जाएगा, तो 11 कितनी बार जाए, 11 की टेबल कितनी बार पढ़े कि 99 आएगा, तो 11, 9 = 99 ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 39। 39 किसका आंसर है, ये है मीन का आंसर। हम लोगों ने मीन फाइंड आउट कर लिया, यहां पे मीन की वैल्यू आ गई है 39। नाउ अब फाइंड करेंगे मोड, यहां लिखते हैं मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। इस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो देखते हैं कौन सा ज्यादा टाइम्स आया है। तो यहां आप देख लीजिए 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी 6 1 टाइम है 8 1 टाइम है 10 2 टाइम है, बट ये जो 15 है ये 3 टाइम्स आ रहा है। तो कौन सा डेटा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 15। तो 15 इज योर मोड, मोड की वैल्यू आ गई 15, दिस इज योर आंसर। अब हमको निकालना है मीडियन। मीडियन
इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालना है और इस ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 11 ऑब्जर्वेशन है, तो 11 जो है एक ऑड नंबर है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 11 जो कि ऑड है। ऑड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे भी आप m लिख सकते हो और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म, यही होता है फॉर्मूला ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो n प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म, n की वैल्यू कितनी है 11, 11 प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म, ठीक है। 11 में 1 ऐड करिए कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 2 अर्थ टर्म, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जब 12, 6 टर्म आएगा, कौन सा टर्म, 6 टर्म। अब ये जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इसमें से ही आपको देखना है कि 6 टर्म में कौन सा नंबर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म पे 15 है तो 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको इस डेटा से ही ये फॉर्मूला अगर आप ना लगाना चाहते तो कैसे फाइंड आउट करते, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है 11 है तो इसका मतलब 5 इस साइड से हटा दीजिए डेटा, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 5 इस साइड से हटा दीजिए जो मिड का है वही आपका आंसर है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो उसी में ये चीज करना, यहाँ पे नहीं कि जो डेटा के पहले यहाँ से 5 को हटा दो 5 को हटा दो, तो ये ऐसा नहीं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके तब उसके बाद ये जो मिड वाला वैल्यू होता है वही मीडियम होता है, मीडियम का मतलब मिड वाला वैल्यू, तो यहाँ पे मिड वाला वैल्यू क्या है 15, 15 ही आपका आंसर है। अब यहाँ पे पूछा है कि आर द 3 सेम, ये जो आपने तीनों वैल्यू निकाली मीन की, मोड की और मीडियम की, क्या ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं। यहाँ देखिए मीन की वैल्यू 39 है, मोड की वैल्यू 15 है, मीडियम की वैल्यू 15, लेकिन इन दोनों की तो सेम है बट तीनों की नहीं सेम है, तो आप क्या लिखेंगे, नो दीज आर नॉट सेम, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स के वेट का डेटा दिया है, 15 स्टूडेंट्स के वेट को मेजर किया गया है, फिर हर एक स्टूडेंट के वेट को यहाँ पे लिखा गया है और वो सारे वेट जो है वो किलोग्राम में है, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट का वेट है 38 किलोग्राम, दूसरे स्टूडेंट का वेट है 42 किलोग्राम, थर्ड का 35 किलोग्राम, फोर्थ स्टूडेंट का वेट है 37 किलोग्राम, फिफ्थ का है 45 किलोग्राम, सिक्स्थ स्टूडेंट का वेट है 50 किलोग्राम, सेवेंथ का 32 किलोग्राम, एट्थ का 43 किलोग्राम, नाइन्थ का 43 किलोग्राम, टेंथ स्टूडेंट का 40 किलोग्राम, इलेवेंथ का 36 किलोग्राम, ट्वेल्थ स्टूडेंट का 38 किलोग्राम, थर्टींथ स्टूडेंट का 43 किलोग्राम एंड 14th स्टूडेंट का 38 किलोग्राम एंड 15th स्टूडेंट का 47 किलोग्राम वेट है। तो ये वेट का डेटा गिवन है, आपको यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आपको इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड है, तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं तब देखते हैं कि मोड एक से ज्यादा है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जो डेटा गिवन है ये डिसऑर्डर तरीके से गिवन है, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, लिखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू है 32, 32 लिखिए, देन 32 के बाद कौन सी वैल्यू है 35, 35 लिखिए, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38 और एक बार और 38, टू टाइम आया है 38 तो टू टाइम लिखिए, और एक थ्री टाइम्स आया है 38 और है तो यहाँ पे एक 38 और लिखिए, 38 थ्री टाइम्स लिख लिया, फिर उसके बाद 38 के बाद कौन सा नंबर है 40, यस 40, 40 कितने टाइम्स आया है 40 सिर्फ वन टाइम है तो यहाँ लिखिए 40, 40 के बाद देन 43, नहीं 42 भी है तो 42 पहले लिखेंगे, वन टाइम आया है 42, ओनली वन टाइम है 42 लिखिए, 42 के बाद 43, देखिए कितने टाइम्स है 1 2 3,
थ्री टाइम्स आया है 43, लिखिए 43, 43, 43। देन 43 के बाद कौन सा नंबर है, 45 है, 45 लिखिए, 45 के बाद 47, 47 लिखिए, देन 47 के बाद 50। जो भी आप नंबर यहाँ पे लिखिए उसको आप टिक करते जाइए, जिससे आपको पता चलता जाए कि कौन सा नंबर आपने लिख लिया है और कौन सा नंबर अभी बचा है लिखने के लिए। ये देखिए हमने टिक टिक करके सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया। अभी जो डेटा है, यहाँ 15 डेटा था, यहाँ पे भी काउंट कर लीजिए, 15 डेटा होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस 15 डेटा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए मोड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। इस डेटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मींस कौन सा ऐसा वैल्यू है या फिर कौन सा ऐसा डेटा है जो जो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा डेटा है जो ज्यादा बार आया है। तो 32 वन टाइम आया है, ये वन टाइम, ये वन टाइम, ये देखिए ये थ्री टाइम आया है, और एक ये 43 भी थ्री टाइम आया है, ये भी थ्री टाइम आया है, ये भी थ्री टाइम आया है, और तो बाकी सब वन टाइम या टू टाइम वाले हैं। तो मोड यही होगा। तो इसका मोड क्या होगा, मोड होगा 38 और क्या 43। इसका दो मोड निकला, क्योंकि यहाँ पे 38 भी थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है और 43 भी थ्री टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका मोड 38 भी होगा और 43 भी होगा। अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले देखिए जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। क्यों ऑड है, क्योंकि यहाँ 15 स्टूडेंट है, 15 एक ऑड नंबर है। तो मीडियन आपको किसका निकालना है, मीडियन आपको निकालना है, मीडियन का सिंबल एम होता है, और आपको किसका निकालना है, एन इक्वल टू 15 ऑड, ऑड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तो ऑड ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगाइए, एम इक्वल टू होता है एन प्लस वन अपॉन टूथ टर्म। ओके, तो n की वैल्यू है 15, 15 प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म, 15 वन 16 अपॉन 2 अर्थ टर्म, 16 बाई 2 कितना होगा, 2 8 जा 16, तो 8th टर्म। अब 8th टर्म आप किसमें देखेंगे, ये जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इसमें आप देखेंगे कि 8th टर्म कौन सा है। चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला है 8th टर्म, इसका आंसर क्या आएगा, 40। 40 इज द आंसर, ये किसका आंसर है, मीडियन का। और मोड का आंसर आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था, मोड और मीडियन फाइंड आउट करो, तो मोड भी फाइंड आउट कर लिया, मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड इज देयर मोर देन वन मोड, सेकेंड में पूछ रहा है क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड है, यस यहाँ पे देखिए दो मोड आ रहे हैं, तो एक से ज्यादा है ना, तो एक दूसरे का भी आंसर दे दीजिए। तो पहले का था ये दोनों, अब सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या देंगे, यस देयर आर मोर देन वन मोड, या फिर देयर इज मोर देन वन मोड, ठीक है, यही आपका आंसर है। Now move to the next question. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Find the mode and median of the data. आपको ये जो डेटा गिवन है इसका आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो डेटा है इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू आई थिंक यहाँ पे 12 है, तो लिखिए 12। कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 12 लिखिए, और इसको मार्क करते चलिए। जो भी आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आप मार्क करते चलिए। तो 12 को मैंने मार्क कर दिया, उसके बाद है 13, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो लिखिए 13 13। देन उसके बाद 14 है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो 14 14 14, 3 टाइम्स हो गया। देन उसके बाद 16 एंड देन यहाँ पे है 19। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डेटा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस 9 ऑब्जर्वेशन थी, 9 ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब आपको मोड निकालना है,
तो मोड क्या होता है? मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा. इस डेटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड है. देखिए यहाँ पे कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 12 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये टू टाइम्स, ये टू टाइम्स, ये देखिए 14 जो है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है. तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 14. दिस इज योर आंसर. नाउ मीडियन फाइंड आउट करना है. चलिए यहाँ पे मीडियन निकालते हैं. मीडियन किसके लिए निकालना है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जब ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तब आपको मीडियन निकालना है. तो किसके लिए निकालना है? n इक्वल्स टू 9 विच इज ऑड. 9 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ऑब्जर्वेशन है जो कि एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब मीडियन आप लोगों को ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना है. तो ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म. n की वैल्यू 9 होगी, 9 प्लस 1 अपॉन 2 अर्थ टर्म. 9 ऑन 10, 10 अपॉन 2 अर्थ टर्म. कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ये जो आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है डेटा, वहां से चलिए देखते हैं कौन सा है फिफ्थ टर्म. 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, यही है फिफ्थ टर्म. 14, तो 14 ही आपका मीडियन है. 14 इज द आंसर. तो मोड मीडियन आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है. तो देखिए पहला क्या है? द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. क्या मोड जो डेटा गिवन है उसी में से एक नंबर होता है? तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास है 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5. ये आपको एक डेटा गिवन है, इस डेटा में से आप बताइए मोड क्या है. तो मोड वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो नंबर, वही मोड होता है. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार ये 3 रिपीट हुआ है. 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स. इसका मतलब इसका मोड क्या है? मोड इसका है 3. सो यस, ये देखिए जो मोड आया है ये डेटा में से एक नंबर आया है. तो वही कह रहा है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. जो डेटा में जो नंबर्स है उसी में से एक नंबर मोड होता है. हाँ मोड तो वही होता है, देखिए डेटा में 3 था तो मोड भी 3 हुआ है. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड क्या कह रहा है? द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा. क्या कोई अगर डेटा गिवन है आपको तो आप उसका मीन निकालिए. क्या उसका मीन उस डेटा में से एक नंबर होगा? क्या उसका मीन उस डेटा में जो सारे नंबर्स हैं उसका एक नंबर क्या मीन होगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं. ये आपका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें आपको मीन पूछा है ना, यही वाला डेटा हम ले लेते हैं. जो डेटा गिवन है इसका हम लोग मीन निकालते हैं. तो चलिए इसका मीन निकाल लेते हैं. मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इसका सम करते हैं, क्या हो जाएगा? 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइड बाई कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलिए मीन निकालिए इसका. 6, 4, 10, 8, 3, 11, 10, 11, 21, 21 और 9, 30, 30 + 12, 42, 42 + 13, 55, 55 + 9, 64. तो यहां पे आ गया 64 by 8. 8, 8 + 64, 8 आ गया इसका मीन. तो देखिए क्या 8 इसमें से एक नंबर है? हाँ यहाँ पे तो एक नंबर है, बट एक और एग्जाम्पल लेते हैं उसमें भी मीन हम फाइंड आउट करते हैं. कोई एग्जाम्पल सपोज ले लिया 2, 3, 4, 9. इसका सपोज अगर आपको मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 2. सपोज यहाँ पे 3 होता, ठीक है, 3 या फिर 5 ले लीजिए, 5.
तो 9 5 14 sorry 9 4 13 13 3 16 16 5 21 21 बाई कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है. तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो होगा 4 5 20 एंड कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 5 point something 4 2 8 ऐसा कुछ आएगा 5.2 करके. तो यहाँ पे देखिए क्या 5.2 इसमें से कोई नंबर है? नहीं. हाँ किसी किसी केस में हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ है कि जो मीन का आंसर आया है इस डेटा में से ही एक नंबर आया है, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा. मीन की वैल्यू यहाँ पे आपने जो 4 ऑब्जर्वेशंस गिवन थी इस केस में तो मीन की वैल्यू कुछ और आई है. इस डेटा में से कोई नंबर नहीं है ये मीन का जो आंसर है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स. द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ और नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो उसी डेटा में से ही एक नंबर हो. यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे कुछ और आंसर भी आ सकता है मीन का. नाउ थर्ड इज द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा. अब बोल रहे हैं कि क्या मीडियन जो होता है वो ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो डेटा है उसी में से एक वैल्यू मीडियन की होती है. तो इसको भी देख लेते हैं. सपोज मैंने लिया क्या, मैंने लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये एक ऑब्जर्वेशन है. इस ऑब्जर्वेशन का जब आप मीडियन निकालोगे तो इसका मीडियन क्या होगा, यही मिड वाला वैल्यू हो जाएगा. देख लीजिए मीडियन क्या होता है, n+1/2th term है ना, यही होता है. तो ये हो जाएगा क्या, n की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4 5 5+1 मीन्स 6 6/2th टर्म, ठीक है. 6/2 कितना होगा, थर्ड टर्म. अब यहाँ th की जगह rd लगा लो क्योंकि थर्थ नहीं होता, थर्ड होता है ना. थर्ड टर्म क्या है, डेटा 1 2 3 3 है तो 3 इसका आंसर है, ठीक है. यहाँ पे जब आपने मीडियन फाइंड आउट किया तो ये जो डेटा में एक नंबर था वही उसका मीडियन आया है. बट देखते हैं फॉर इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ऑड ऑब्जर्वेशन जब आप लोगों ने ली थी, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है जो कि एक ऑड नंबर था. बट अगर एन की वैल्यू 6 हो जाए, इवन नंबर हो जाए, तो सपोज हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ये ऑब्जर्वेशन है, इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए मीडियन की वैल्यू होती है n/2th term + n/2+1th term, यही होता है ना इवन के लिए, डिवाइड बाय 2. तो n की वैल्यू कितनी है, 6. 6/2 करेंगे कितना आएगा, 3. मतलब थर्ड टर्म प्लस n/2 की वैल्यू 3 और 3+1 कितना हो जाएगा, 4. तो फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2. थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 थर्ड टर्म है 3. फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म 1 2 3 4 ये है फोर्थ टर्म, 4 डिवाइड बाय 2. तो 3+4 7/2, 7/2 की वैल्यू 3.5 आई है. तो क्या 3.5 इसमें से कोई नंबर है, नहीं. जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तब तो इसमें से एक वैल्यू मिल रही है, बट जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीडियन की वैल्यू कुछ और आ रही है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, जब आपकी ऑब्जर्वेशन इवन होगी तो कुछ और वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं कुछ डेटा से आए. यहाँ पे देखिए डेटा में क्या 3.5 था, नहीं था, बट आंसर क्या आया है, 3.5 आया है, ठीक है. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नाउ फोर्थ इज द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 has mean 9. क्या ये जो डेटा है इसका मीन 9 है, तो हमने इसका मीन अभी निकाला, इसका मीन आ रहा है 8, 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.